हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराऊँगा, आप लोग 100% श्योर रहिए कि क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली मैं नेवी SSR की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप सरकारी रिजल्ट पर आप भी देख सकते हैं उसका एज लिमिट कितना है। ठीक है, तो उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलती है बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड एंटिक नहर किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ग्रैंड एंटिकट नहर किस नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड एंटिकट नहर किस नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और अगर युद्ध के क्षेत्र की बात करें तो परमवीर चक्र पुरस्कार और आपके पद्मश्री, तो ये बहुत सारे पुरस्कार हैं जो युद्ध के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और फिल्म के क्षेत्र में आपको ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंबा रामा किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कि खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो सिर्फ एयरफोर्स वाले स्टूडेंटों के लिए ही अच्छी है या बेनिफिट रहने वाली है। ये दोनों, मतलब बोथ, आप बोथ का मतलब समझते हैं, नेवी SSR और MR और आपके एयरफोर्स बाई ग्रुप NDS में जितना भी GS लेवल आता है उसके लिए। तो लिंबा रामा किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीरंदाजी से। ठीक है, तीरंदाजी से लिंबा रामा का संबंध है, तीरंदाजी से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आप लोग ये बताइएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी तो मैंने बता दिए हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायोराइट कैसी चट्टान है। ठीक है, डायोराइट कैसी चट्टान है, तो यह है आपकी आग्नेय चट्टान। ठीक है, डायोराइट आपकी आग्नेय चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल का। ठीक है, ओणम आपका केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे वहाँ के लोग आराम से एंड अपनी खुशी से मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न होते हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 69 मीन्स 69। ठीक है, 69 डिवीज़न होते हैं भारतीय रेलवे में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव। ठीक है, वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता नहीं है कि मैं वीडियो आपका कैसा बना रहा हूँ, तो हम लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, मैंने आपकी PDF क्रिएट की, उसके बाद में आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 50 लाइक, आप लोग ज़रूर करिएगा और मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलते बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 नवंबर को। ठीक है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर स्टडी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 नवंबर को आपका प्रेस दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर में। ठीक है, कोयम्बटूर में आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवसादी चट्टानों में। ठीक है, पेट्रोलियम आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को पता है कि बंगलुरु में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि पेपर में आपका करंट अफेयर्स भी आता है, तो आप लोगों ने भी वॉच करते रहिएगा। आगे आगे जिस प्रकार मेरी वीडियो अच्छे लेवल पर पहुँचती रहेगी, उसी प्रकार मैं आपके करंट अफेयर्स भी लाऊंगा, और इस चैनल पे मैथ रीजनिंग के भी चैप्टर लाता रहूँगा। ठीक है, तो भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका स्थित है बंगलौर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह से संबंधित एक्ट कौन सा है? बाल विवाह से संबंधित एक्ट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित एक प्रकार का एक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण कब हुआ था? भाखड़ा नागल बांध का निर्माण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1963 ईस्वी में। ठीक है, 1963 ईस्वी में आपका भाखड़ा नागल बांध का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा कि इसका निर्माण 1948 में ही हो गया था, कोई में मिलेगा आपको 1955 में हो गया। तो मैं बता दूंगा आपको, रियलिटी यह है कि इसका जो पूर्णतः निर्माण हो गया था वो आपका हुआ था 1963 ईस्वी में। ठीक है, यह पूर्ण बनकर आपका तैयार हो गया था 1963 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गला। ठीक है, डिप्थीरिया रोग से शरीर का गला प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गला। ठीक है, डिप्थीरिया रोग से शरीर का गला प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चितरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? चितरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देश बंधु के नाम से। ठीक है, चितरंजन दास को आपके देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होता है? क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका होता है मुँह से। ठीक है, तो भोजन का पाचन मुख्यतः मुँह से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागालैंड की राज्य की भाषा कौन सी है? नागालैंड की राज्य की भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश। ठीक है, नागालैंड की राज्य की भाषा आपकी इंग्लिश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पीडीएफ में जो आंसर शीट में मिस्टेक हुआ है, तो इसका आप लोग कर लीजिएगा काहिरा। ठीक है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो आपका स्थित है काहिरा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक आपका पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, सोयाबीन में सर्वाधिक आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोबर जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है? डोबर जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है? या ये क्वेश्चन पूछेगा कि डोबर जो जल डमरू है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो वो आपका स्थित है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ठीक है, जो यार डोबर जल डमरू है आपका ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दंती दुर्ग। अब क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो मैंने अभी बता दिया आपको, वासुदेव। ठीक है, वासुदेव।
और बात बनेगी आपकी पाल वंश, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो आपके हैं गोपाल। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था, वो आपका था धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको टारगेट भी याद होगा आपको 50 लाइक का, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। मैं इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, और आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले। बाय।